और कहीं ना कहीं आपने ये फोटो देखा होगा वास्ता में। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम लोग आ चुके हैं वास्ता में। तो वास्ता का महल देखने के लिए हम लोग यहाँ पे पधारे हैं आज। तो वास्ता का महल और दंतक वन ऐसे करके दो जगह है जहाँ पे हम लोग आज घूमने जाएंगे, क्योंकि पास ही में है वास्ता में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने घर से ब्लॉग क्यों नहीं शुरू किया। तो यार, घर से शुरू करता तो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ चलते हैं। तो दोस्तों, ये है यहाँ का फेमस टाउन। अभी जा रहे हैं राजा का महल देखने की इस ओर। तो दोस्तों, राजा का महल तो देख लेंगे, लेकिन अभी हम गन्ने का जूस पीते हैं, उसके बाद राजा का महल देखने जाएंगे। तो दोस्तों, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, दूसरा कप भी ले रहा हूँ। तो दोस्तों, एक अंकल ने बताया था यहाँ पे कि भाई वास्ता का महल जो है वो पास ही में है, लेकिन कब से चल रहा हूँ लेकिन मिल ही नहीं रहा है। मेरा एक फ्रेंड आने वाला था, लेकिन सुबह कॉल किया उसको तो उसने कॉल रिसीव नहीं किया मेरा और काम पे चला गया, जिसके बदौलत वो नहीं आ पाया, वरना वो मेरे को घुमाने ले चलता। तो दोस्तों, वो रहा वास्ता का महल, लेकिन बंद है यार, अभी अंदर नहीं जा सकते। तो चलिए हम लोग दंतक वन चलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं दंतक वन और मैंने पहन रखा है मास्क। बहुत गर्मी है यार, 50 रुपये ले लिए यार मेरे पास। दोस्तों, यहाँ पे वीडियोग्राफी में सख्त मनाई है और फोटोग्राफी में भी, लेकिन हम चुपके से 2-3 फोटोज और थोड़े वीडियोस दिखा सकते हैं आपको। चलिए वो दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ, किसी को कानो कान खबर भी ना हो ऐसे, लेकिन मेरे पीछे ही कैमरा है। ये अच्छा सा व्यू दिखाता हूँ आपको, रुको। तो दोस्तों, ये है वास्ता का फेमस पहाड़, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी वादियाँ है और यहाँ पे जंगल विस्तार है। विदाई लेने का समय है गाइस हमारा। तो दोस्तों, मुझे तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे, लेकिन यार बहुत साइलेंट जगह है और थोड़ा सा भी साउंड बचा रहा है, पूरे एरिया में सुनाई देता है, इसीलिए धीरे धीरे से बोल रहा हूँ कब से। और यहाँ पे कैमरे लगे हैं जिसके बोलो लोग छुप छुप के शूटिंग कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, मेरे पीछे जो जगह है वो वास्ता के इलाके में लगती है और बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के जगह भी बहुत अच्छी है और यहाँ के प्लेसेस तो क्या बताऊँ यार, मज़ा आ गया यहाँ पे आने के बाद। अभी हम लोग जा रहे हैं डंटवेली के गार्डन में, मंदिर में तो जाके आए हैं, संत महाराज जी के दर्शन किए। तो अभी गार्डन की बाड़ी है, गार्डन में जाएंगे, वहाँ पे जाके अच्छा सा आपको व्यू दिखाऊंगा लास्ट वाला। तो गाइस, अभी 2 बजने को आए हैं और हम लोग जा रहे हैं गार्डन में, मज़ा बहुत आ रहा है। एनर्जी डाउन है क्योंकि कुछ खाया नहीं है, वहाँ पे भोजनालय ऐसा दिखाता है, वहाँ पे खाना भी मिल जाएगा।
तो गाइस गार्डन तो बन है अभी, तो गार्डन मेरे नहीं जा सकते। गौशाला भी पता नहीं कहाँ पे है गौशाला। यार गार्डन ही बन है तो फिर आया ही क्यों यहाँ पे। तो दोस्तों ये है दोपहर का महाप्रसाद, अभी महाप्रसाद खाएंगे, उसके बाद मेरा दोस्त आ रहा है मेरे को लेने के लिए, तो वहाँ पे जाएंगे। महाप्रसाद तो अच्छा है यार, दाल भात बहुत डाल दिया यार। तो यहाँ पे खाना डालने के बाद ना हमें जो अपनी थाली है वो खुद हमें ही धोनी पड़ती है, तो मैं यहाँ पे धोऊंगा अपनी थाली। गाइज मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई है ये जगह, और स्पेशली बहुत ज़्यादा भूख लगी थी मेरे को, फिर भी मैंने किसी को बताया नहीं। मेरे को लगा मैं भूखा ही जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे पता चला तो मुफ्त में तो आ गया खाना खाने। सही है। तो दोस्तों महाभोग तो खा लिया है, हमारा फ्रेंड आ चुका है हमें लेने के लिए और वो बाहर वेट कर रहा है, तो उससे मिलवाने के बाद हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा फ्रेंड जो हमें सर्वाइव करने आया है। तो ये यहीं पे रहता है, चलो अभी ये घुमाने ले चलेगा क्या मेरे को ना मयंक ने बताया था यहाँ पे घूमने लायक स्थल है। दोस्तों फाइनली लास्ट वाले लोकेशन के पास पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है खड़कीय पहाड़, ऐसे ही कुछ नाम है वास्ता का ये पहाड़ का। तो ये है यहाँ का पवित्र उपवन स्थल, यहाँ का ये मंदिर है जो अभी अभी बना है, और कहीं ना कहीं आपने ये फोटो देखा होगा वास्ता में, मैं आज वहीं पे आया हूँ। देखो हमारे फ्रेंड के साथ आए हैं और ये सब पहाड़ी इलाका है। तो दोस्तों ये जो आपको डैम दिख रहा है ना ये वाला, ये जूज डैम है जहाँ पे हमें हमारा फ्रेंड ले जाने वाला था, लेकिन वहाँ पे पुलिस वाले रहते हैं जिसको बदौलत नहीं ले गया। उसके पीछे देखो कितना बड़ा पहाड़ है, ये सारा पहाड़ी इलाका है और ये जंगली विस्तार जहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आने के बाद इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है कि मेरे फ्रेंड लोगों को बताओगे ना जो हमारे गंदी वाले हैं, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा बोले कि भाई तू हमको लेके नहीं गया इतनी अच्छी लोकेशन के पास फ़ोटो शूटिंग के लिए, लेकिन मैं तो आया हूँ ब्लॉग शूट करने के लिए। तो ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे सुबह के 5 बजे का व्यू हो। गाइस आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मेरे पास एक भी ड्रोन नहीं है, अगर ड्रोन होता इतनी अच्छे से मैं आपको दिखा पाता, क्या बताऊँ अभी मैं। ये नीचे जाती हुई ढलाल है, खड़ी हुई ढलाल, अब ये हमारा फ्रेंड ले जा रहा है हमको कहीं पे। तो दोस्तों वहाँ पे है वास्ता जो कि हमको यहाँ से दिख रहा है, और वहाँ पे है दंडकवन जहाँ पे हम जाके आए, वहाँ पे था राजा का महल जो हमें देखने को नहीं मिला, और ये दंडकवन तो हम देख के आए हैं। और ये बहुत बड़ी है पहाड़ की चोटियाँ, एंड यहाँ पे है जूंजुल डैम, जूज डैम। तो दोस्तों ये था वास्ता का पूरा व्यू जो हमने आज पूरे दिन घूम के आपको बताया है। तो आई होप कि आज का हमारे ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो ये है हमारे फ्रेंड किनल जो अपना फेस नहीं दिखाना चाहते, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमारी बहुत मदद की है उन्होंने, और एक बार मेरा वहाँ पे जाने का मन कर रहा है लेकिन वो मना कर रहा है कि वहाँ पे मत जा, तो हम लोग नहीं जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में।